So what's up guys and welcome back to the channel. This is Shikhar the Beard Biker and so sorry for not being regular on my channel. That is because of some family disturbance, family problem, and I hope you can understand that. तो आज का दिन शुरू करते हैं एक प्रोडक्टिव चीज से, बिकॉज बहुत टाइम हो गया हमने कोई रिव्यू नहीं दिया है किसी चीज के लिए और कुछ नई चीज नहीं खरीदी है. सो आई हैव वन थिंग विच इज कॉल्ड अ GoPro किलर दीज डेज. एक बार उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं एक्चुअली वो चीज है क्या, और एक इस रेगुलर वापस चैनल पे आने की शुरुआत को आरंभ करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इसको एक मिनट के लिए साइड कर देते हैं. इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है. पहले मैं बता दूं, ये है एक DJI का प्रोडक्ट जो कि इंटरनेट पे बहुत ही टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट रहा है अभी तक और फिलहाल भी है. बेसिकली व्हाट इज DJI? DJI इज अ कंपनी जो कि फेमस है अपने ड्रोन्स के लिए. बेसिकली स्पार्क हो गया, मैविक एयर प्रो, फैंटम 1, 2, 3, 4 जो भी आते हैं, ये सब ड्रोन्स, परफेक्ट ड्रोन्स, बेस्ट ड्रोन्स इन द मार्केट इज फ्रॉम द DJI. उसके बाद DJI आया एक छोटा सा कैमरा लेके, विच वॉज नोन एज द ऑस्मो पॉकेट. आफ्टर दैट DJI आया है अपना एक एक्शन कैमरा लेके जिसका नाम है ऑस्मो एक्शन कैमरा. अब इसको कहा जाता है GoPro किलर. अब ये एक्चुअली GoPro किलर है या नहीं वो तो खैर हम जब इसको यूज करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे GoPro से, तब पता चलेगा. एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर इफ इट्स अ GoPro किलर और नॉट, बिकॉज द GoPro विच इज कमिंग इन द मार्केट इज द 7th सीरीज और ये पहला है. तो अब पहला कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा तो इसको यूज करेंगे तब ढंग से पता चलेगा. सो चलो वो सब बातें तो होती रहेंगी, पहले एक बार बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं. ये है बॉक्स, ऑस्मो एक्शन लिखा हुआ है सामने, यहाँ पे कैमरा बना हुआ है, DJI लिखा हुआ है, साइड में DJI लिखा हुआ है. यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे नॉर्मल सब चीज़ें हैं. पीछे अगर देख लो तो पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन इसके बारे में कि भाई इसका नाम है ऑस्मो एक्शन कैमरा, चाइनीज में क्या कहते हैं कैसे कहते हैं वो लिखा हुआ है. डुअल स्क्रीन लिखी हुई है, 4K HD है, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड करता है, वाटरप्रूफ है, फलाना फलाना फलाना. सो ये सब तो चलो बेसिक चीज़ है. अब इसको एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं कैमरा कैसा है. तो ये सील पैक्ड है, यहाँ से हमने सील खोली. उसके बाद दिस इज द फर्स्ट लुक. मतलब बहुत ही फ्रैंकली बोलूँ तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम एज द GoPro लग रहा है. इसको थोड़ा साइड रख देते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पे तो कुछ और है नहीं, एक बॉक्स है. तो इस बॉक्स में आपको मिलेगा सबसे पहले एक बॉक्स, दो आपको मिले हैं ये माउंट्स और एक वायर विद वन स्क्रू. लेट्स टॉक अबाउट दिस बॉक्स. ये रहा DJI और कुछ और नहीं है, छोटा सा ब्रीफकेस टाइप का है एंड बैटरी है इसकी. ओके, सो इसमें शायद बैटरी नहीं लगी हुई आती है. तो बहुत ही प्यारा सा एक बॉक्स है. इसके बाद आप में अगर ध्यान दें जो है यहाँ पे इन्होंने एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, तो आप एक यहाँ पे रख सकते हो और एक आध यहाँ पे रख सकते हो, मेमोरी कार्ड कैरी कर सकते हो. और ये बहुत ही अच्छा कैरी केस है आपके लिए. जब भी आप नई बैटरी परचेज करेंगे एक बॉक्स आपको हमेशा साथ में मिलेगा. चलो बैटरी के बारे में बाद में बात करते हैं. ये माउंट है, कर्व्ड माउंट फॉर द कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट माउंट फॉर द फ्लैट सरफेस. थोड़ा सा डिफरेंट माउंट है ये, क्विक रिलीज काइंड ऑफ अ लॉक है. ओके, तो इसमें ये ऐसे लॉक हो गया, DJI लिखा हुआ है इस पर. क्वालिटी ऑफ दिस इज वेरी 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 गुड. और फिंगर लॉक है, यहाँ पे भी फिंगर लॉक है, इसको कहते हैं फिंगर लॉक. GoPro में भी सेम लॉक आता है. अब अगर आप एक GoPro ऑन करते हो और अगर आप इसमें स्विच होते हो या एक ये एक्स्ट्रा लेते हो तो आप सेम एक्सेसरीज और माउंट्स इसके लिए यूज कर सकते हो जो आप GoPro में करते हो. चलो इन सब के बारे में तो खैर बात बहुत हो गई, अब आते हैं बेसिकली कैमरा पे. सो दिस इज द कैमरा लेंस. बहुत ही प्यारा सा लेंस है ये, मतलब आपको GoPro में स्क्वायरिश मिलेगा, इसमें राउंड है. अब इस लेंस के बारे में बात करूँ तो ये अगर आप कभी लेंस ब्रेक कर देते हैं या आपको लेंस में आजकल वो कलर फिल्टर लेंस आते हैं वो लगाना हो तो इसको बस आप रोटेट कीजिए और दिस इज़ गुड. आप दूसरा लगा सकते हैं. अगर आपने GoPro यूज़ किया है और कभी आपका लेंस टूटा है मेरी तरह, या आपने कभी लेंस चेंज करने की कोशिश की है, तो यू नोटिस कि ये बहुत 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 ईजी है चेंज करना. GoPro में थोड़ा दम लगाना पड़ता है हर चीज़ के लिए. सो बाकी एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कैमरा में. ऑब्वियसली थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है बट एज सच कुछ है नहीं. अब इसको एक बार खोल के देखते हैं माउंट से बाहर निकाल के कि कैसा है. माउंट खोलने के लिए पहले आपको यहाँ से ऊपर खोलना पड़ेगा. ऊपर खोलने के बाद ये पीछे वाला जो पार्टीशन है ये अलग, फिर बाहर पुश करके निकाल सकते हैं. सो एक ये बहुत ही अच्छा सा है, बटन वगैरह भी अच्छे बने हुए, क्वालिटी के हैं. नाइस, गुड.
अच्छा, बैटरी की खास बात यह है कि बैटरी पे सील लगी हुई है, यहाँ पे सील नहीं है, बैटरी पे सील है। सो जो ऑब्वियसली अब जो सील है वो टाइम टू टाइम यूज़ करने के बाद थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो जब भी आप नई बैटरी लेंगे तो आपको एक नई सील मिलेगी। यहाँ पे दो बटन्स दिए हुए हैं, एक है ये, एक है ये, तो इसको जब आप लॉक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी एक, यहाँ पे आपको दिखेगी ऑरेंज लाइन, और इसका मतलब होता है कि आपका जो बैटरी है वो प्रॉपरली सील्ड नहीं है। तो सील करने के लिए प्रॉपर इसको प्रेस करो और एक छोटी सी क्लिक की आवाज़ आएगी। यहाँ पे कोई लाइन नहीं दिख रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स योर बैटरी इज गुड एंड इट इज प्रॉपरली सील्ड। साइड में आपको मिलेगा सेम एक क्विक रिलीज काइंड ऑफ, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, पार्टीशन, जिसके अंदर आपको मिलेगा मेमोरी कार्ड का स्लॉट और यूएसबी सी टाइप का स्लॉट, और इसको आप हटा भी सकते हैं सेम एज दी गोप्रो, लगा भी सकते हैं। ये याद रखिएगा, हटाने के बाद ये सील हट जाती है तो ये वाटरप्रूफ नहीं रहता है। तो इन शॉर्ट, जब भी हम मोटो व्लॉग करते हैं हमें ये हटाना पड़ता है, एंड दैट मेक्स द कैमरा इटसेल्फ नॉन वाटरप्रूफ। बाकी एक माइक्रोफोन आपको इधर दिखेगा, एक माइक्रोफोन मुझे इधर दिख रहा है, ये जो है ये है एयर वेंट्स, बिकॉज जब भी हम 4K में रिकॉर्ड करते हैं गोप्रो में इट गेट्स हीट अप, तो मेरे ख्याल से हीट अप ना हो उस लिए इन्होंने थोड़ा सा एयर वेंट बनाए हैं। एक बार इसको ऑन कर लेते हैं, इसमें बताया हुआ है इन्होंने पावर डिस्प्ले ऑन ऑफ शटर, तो चीज़ें बहुत ही क्लासिक हो गई आजकल। तो पावर ऑन करने के लिए ये बटन है, इस बटन को आप प्रेस करके रखेंगे ऑन हो जाएगा। इंग्लिश थोड़ा सेटअप कर लेते हैं, एक्टिवेट विद DJI मीमो ऐप। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका कुछ लोगो ऐसा सा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऊपर ये एक कैमरा का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे, टैप हेयर टू कनेक्ट टू द डिवाइस। कनेक्ट करने के बाद इनेबल ब्लूटूथ ऑन योर, अब ब्लूटूथ वगैरह सब ऑन रखेंगे। उसके बाद अपने आप नाम लिखा गया ऑस्मो एक्शन कैमरा, जिस जो कि इसका नाम है, ये है ऑस्मो एक्शन कैमरा। तो कनेक्ट करेंगे, सो फाइनली द कनेक्शन इज सक्सेसफुल। अब इसके बारे में बात करें तो मैं अगर बोलूँ ना, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लग रही है यार, मतलब बहुत ही क्लियर है फुटेज, सेम एज ही गोप्रो। ऊपर से स्लाइड इन करेंगे आपको बहुत सारे फंक्शंस दिख जाएंगे, वॉइस कंट्रोल भी है इसमें। इसमें स्क्रीन स्विच, स्क्रीन स्विच, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, शट डाउन। तो चलो ये तो रही इसकी बात, अब इसको एकदम से शॉर्टेस्ट कंपेयर कर लेते हैं गोप्रो से। तो देखने में बिल्कुल सेम है, जैसा गोप्रो दिखता है वैसा ही दिखता है, थोड़ा सा बड़ा है और कुछ ग्राम हेवीयर है अपने गोप्रो से, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। स्क्रीन जो है, टच स्क्रीन जो है पूरी, वो गोप्रो से बड़ी है। गोप्रो से मैं बोलूंगा बहुत ही फ्रैंकली, बहुत ही अच्छी टच सेंसिटिविटी है इसकी। तो गोप्रो की स्क्रीन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ मेमोरी कार्ड का भाई कितनी ड्यूरेशन बची है, टाइम वाइम आता है, इसमें आपकी प्रॉपर फोटो आती है जब आप इसको व्लॉग करेंगे, सो दिस इज गुड। ये चेंज कर, लेंस चेंज करने में DJI बहुत आसान है, और बाकी सेम है। इस गोप्रो में भी आपका यही स्लॉट ऐसे खुलता है, निकल जाता है, यहाँ पे आपका यूएसबी सी टाइप है, मेमोरी कार्ड इसमें अंदर जाता है, इसके अंदर तो ऐसा सच कुछ है नहीं, जो भी सील पैक है, जो भी वाटर प्रूफिंग केस है वो यही है। एंड ये 10 मीटर तक वाटर प्रूफ है, ये 11 मीटर तक वाटर प्रूफ है। अब एक बार इसकी प्राइस बता देता हूँ, तो दिस कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 31 अप्रॉक्सीमेटली, मैंने सेल और एक अच्छे से ऑफर में लिया था, एंड दिस हैज कॉस्टेड मी अराउंड 30,000। सो अब गोप्रो को माइक से के साथ चलाने के लिए, अब ऑन एन एवरेज ले लेते कि ये भी 30 का ही है, 5,000 रुपये का अडाप्टर लगता है, तो दिस कम समवेयर अराउंड 35,000 टू यूज एज अ मोटो व्लॉगिंग सेटअप, बिकॉज इसमें इनबिल्ट जो वॉइस क्वालिटी है दैट इज नॉट गुड। अब इसमें क्या है और कैसा है ये देख के ही मालूम चलेगा, क्या गोप्रो का अडॉप्टर इसमें यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी देख के मालूम चलेगा। इसके बारे में वीडियो तो हम जब बनाएंगे, जब हम फाइनली कुछ महीनों के बाद अब बाइक राइड करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। वहीं पे इसको टेस्ट करेंगे, बताएंगे और आपका फीडबैक लेंगे कि क्या इसको यूज करना ठीक है या नहीं। सो टिल देन टेक केयर, सी यू।
And think about it. Can the DJI Osmo action camera be called as a killer for the GoPro?